नमस्ते। बच्चों का स्वास्थ्य और सुरक्षा, इसके बारे में हम विशेष सतर्क रहते हैं। बिल्कुल। आजकल कोरोना का संक्रमण पूरी दुनिया में चल रहा है, ऐसे में हमें और बच्चों को कई बार घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ सकती है। जी, तो इस विषय में हमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। बिल्कुल। कोरोना संक्रमण में बच्चों को रूटीन इम्यूनाइजेशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए लेके जाना जरूरी है क्या, और क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, कैसा है कि रूटीन इम्यूनाइजेशन जो बच्चों का होता है, उससे बच्चों की रेजिस्टेंस पावर और इम्यूनिटी बढ़ती है, तो इससे बच्चों को फायदा ही है। और उनकी जो डे टू डे की हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो अगर समय पे टैकल हो जाएगी तो वो उसके आगे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। इसीलिए बच्चों को क्लिनिक में लेके हम जा सकते हैं, लेकिन जब भी हम जाते हैं हमें थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि हम सुरक्षित रहें। पहली बात यह है कि जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो कम से कम लोग क्लिनिक में आने चाहिए जितने ज़रूरी हैं, एक बच्चे के साथ एक या दो लोग। जब भी आप क्लिनिक में रहते हैं तो आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, आपके लिए और आपके बच्चे के लिए। क्लिनिक में सामाजिक अंतर हमेशा बनाए रखिए, कम से कम दो जन के बीच में 4 से 6 फुट का अंतर रखना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा भीड़ मत कीजिए। आपके जो सवाल है डॉक्टर साहब को, वो आप संक्षिप्त और सटीक सवाल पूछिए ताकि इससे समय की बचत हो सकती है। क्लिनिक में एंट्री होने के पहले और आप जब बाहर निकलते हैं, दोनों समय पर आप सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ कीजिए, डिसइंफेक्ट कीजिए। और जब भी आप क्लिनिक में आते हो और वहां पे आपकी जो मूवमेंट होती है, उस समय आप जो सरफेस रहते हैं, जैसे कि रेलिंग है, आप चढ़ रहे हैं या आप बैठ रहे हैं कुर्सी पे या आप दरवाजा खोल रहे हैं, तो वो सरफेस को आप कम से कम हाथ लगाइए, और यदि हाथ लग गया तो आप सैनिटाइजर कीजिए। बच्चे बाहर खेलने जाए या ना जाए? देखिए, बच्चे तो एक दूसरे के साथ खेलना बहुत स्वाभाविक है, इसे हम पूरी तरह से टाल नहीं सकते हैं। और जब भी बच्चे खेलते हैं एक दूसरे के साथ तो वो खुश भी रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़ा बहुत इंटरेक्शन और मिक्सिंग करना चाहिए। अच्छा। बच्चे जब बाहर खेलने जाए तब क्या प्रिकॉशंस लेना जरूरी है? बिल्कुल। तो पहली चीज, जब बच्चे लिफ्ट से नीचे आते हैं या जीने से नीचे आ जाते हैं स्टेयरकेस से, तो जो सरफेस है कॉमन, इनको वो हाथ थोड़े बहुत तो लगाएंगे, लिफ्ट के बटन ऑपरेट करेंगे, तो उनको फिर उसके बाद सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने को आप सिखाइए। जैसे हर एक सोसाइटी में आजकल सैनिटाइजर लगा रहता है, तो उसके बारे में बच्चों को जानकारी दीजिए। और जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, जहाँ से बच्चे एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आते हैं, जैसे कि फुटबॉल है या कबड्डी है या आँख मिचोली है या पकड़ा पकड़ी है, इस तरह के खेल मत खेलिए। लेकिन जहाँ पे हम थोड़ा बहुत दूरी बनाए रख सकते हैं, उस प्रकार के खेल जैसे कि क्रिकेट है या साइकिलिंग है या बैडमिंटन है या लुका छुपी है, इस प्रकार के खेल हम जरूर खेल सकते हैं। लेकिन खेलने के समय फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ, मास्क का इस्तेमाल, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर, ये हमेशा इस्तेमाल कीजिए। शॉपिंग के लिए या सोशल फंक्शन के लिए बच्चों को लेकर जाना कितना सुरक्षित है? मुझे ऐसा लगता है कि शॉपिंग और सोशल फंक्शन, जहाँ पे कई सारे लोग आ जाते हैं, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता है कि हम किसके साथ आपका संपर्क आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपको और आपके फैमिली को और बच्चे को खतरा है, तो आप ये टाल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो छोटे फैमिली फंक्शंस में जहाँ पे 3-4 लोग हैं, क्या वहाँ जाना बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा, ठीक रहेगा? जैसे छोटे फैमिली फंक्शन है, उसमें कम लोग अगर रहेंगे और आप घर के अंदर ही है, तो आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, मास्क पहन सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं,
तो वहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हम जा सकते हैं प्रिकॉशंस लेके। जब बिल्डिंग में कोई फ्लोर पे कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स निकल जाते हैं उस टाइम कौन सी प्रिकॉशंस लेना बच्चों को जरूरी है? तो जिस फ्लोर पे वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट आया है, डिटेक्ट हुआ है, वहां पे बच्चों को नहीं जाना चाहिए। तो उससे थोड़ा खतरा टल सकता है। अगर बाय चांस बच्चे को कोरोना का इन्फेक्शन हो जाए तो उससे बच्चे को क्या खतरा हो सकता है? देखिए मैडम, कैसा है ना कि जनरली बच्चों में कोविड इन्फेक्शन होने के चांसेस थोड़े कम ही रहते हैं, क्योंकि उनका बाहर आना जाना जरा कम रहता है। और यदि बच्चे को कोविड का संसर्ग हो गया तो मोर देन 95% बच्चों में इसके सर्वसाधारण लक्षण ही दिखाई देते हैं, जैसे कि हल्का बुखार, सर्दी, खांसी और कभी कभी उल्टी और जुलाब। और कभी कभी बच्चे में कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं, मतलब बच्चा पूरा ठीक रहता है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और एक हफ्ता या 10 दिन के अंदर ये सिम्टम्स भी कम हो जाते हैं और बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन लेस देन 5% पेशेंट्स में कभी कभी इसके गंभीर सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। उस वक्त आपको अपने डॉक्टर के मार्गदर्शन और सलाह की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका बकायदा इलाज होके बच्चा पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ओके डॉक्टर साहब, आजकल मार्केट में कई प्रकार के इम्यूनिटी बूस्टर्स, बिल्कुल, जैसे आयुष काढ़ा, अलग अलग विटामिन की दवा उपलब्ध है, तो क्या इसका रेगुलर सेवन बच्चों को करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए कैसा है, अगर आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है, एक्टिव है, तंदुरुस्त है, तो उसे बाहर से हमें विटामिन्स और मिनरल्स और आयुष काढ़ा देने की विशेष ज़रूरत नहीं है। यदि उसके आहार में ही हम रॉ सैलड्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रेश फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, मिल्क है या नॉन वेज है अगर आप खाते हैं, और पूरी तरह से घर का सब कुछ बाकी का खाना अगर इसका अंतर्भाव रहेगा, तो उसे एडिक्वेट मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन ये जरूर मिलेंगे। फिर उसे बाहर से कोई ज़्यादा सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसको कोविड इन्फेक्शन हो गया तो उसे यही डाइट कंटिन्यू करना चाहिए, और ऊपर से अगर आपके डॉक्टर को लगता है कि कोई विटामिन्स और मिनरल्स एडिशनल देने की ज़रूरत है, तो उस वक्त वो आपको गाइड करेंगे। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू।